नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। प्यारे भाइयों, कभी कभी बहुत ज्यादा अंदर से थोड़ा लगता है यार कि आप लोगों के साथ छल इतना होता है, फिर भी उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती ना, तो आप इसके सबसे बड़े दोषी हैं। एक धमाल न्यूज करके एक चैनल बनाया गया है, आपके महानुभाव पासवान जी के द्वारा ही वो बनाया गया है। लोगों को अंधभक्ति में कैसे झिलवा रहे हैं, जिसका अंदाजा होना मुश्किल है। मुझ पर टिप्पणी करते थे, मुझ पर सवाल करते थे कि कागज दिखाओ न्यूज चैनल का। अब उनसे पूछिए कि आपके पास किस अथॉरिटी से आप न्यूज खबरें बना रहे हैं, आपके पास कागज है क्या? हालांकि ये सब मैं नहीं पूछता, आप बना रहे हो, आप जो भी उल्टा सीधा करोगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, आप खुद झेलोगे, मुझे इतना पता। क्योंकि मैं देखो, YouTube चैनल बनाना तो ठीक है, लेकिन एक न्यूज का नाम देना, ये तो आपको भी पता होगा कि अगर न्यूज का नाम दिया जाता है तो उसके लिए कौन से आपके अंदर गट्स होने चाहिए। लेकिन देखो, फंसते तो हैं, ऐसे लोग ही फंसते। लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सिर्फ गुमराह करने का काम हमेशा करते आए हैं ये लोग। मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं कि बताइए, धमाल न्यूज इसलिए बनाया कि ताकि मैं रोज उस पर जब वीडियो डालूंगा, लोगों को लगेगा अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो न्यूज में छाए पड़े हैं, फ्रॉड देखिए। इसके अलावा कोई गाड़ी, वो सी न्यूज करके गाड़ी आती ना, गाड़ी क्या आती है, एक न्यूज चैनल वाले बेचारे आते हैं इको गार्डन में, जब आप लोग होते हैं उसकी कोई गाड़ी खड़ी होगी, उसके साथ सेल्फी और वीडियो बना दिया कि देखिए मैं आज, उसमें लिखा है आज तक की गाड़ी, आज तक टीवी चैनल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अच्छा, मैं क्लिक करके उसको देख रहा हूँ तो वो सेल्फी लेकर के कह रहे, देखो जी हमारे भैया हैं, ये बहुत जल्दी आएंगे टीवी में, चैनल में मुद्दा दिखाएंगे। अरे चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं, अगर है अवकाश सच में तो टीवी पर बैठ के दिखाओ, डिबेट पर बैठ के दिखाओ, टीवी चैनल पर, तब मैं समझू कि औकात है। लेकिन किसी को गुमराह मत करिए यार, हमें गुमराह करने वालों से बड़ी एलर्जी है। सच को सच कहना सीखिए, गलत को गलत कहिए। मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता, मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। ठीक है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अच्छी बात है, बने हो, आप चौकीदार के उत्थान के लिए काम करो, कोई आपत्ति नहीं यार, कर सकते हो, आजादी है। लेकिन गुमराह मत करो किसी को। इसके अलावा जाने कितने आईडियो मेरे पास आ रहे हैं यार, पद के नाम पे पैसा 750 कोई दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, यार ये तो बिजनेस कर रहे हो। मतलब तुमने तो अपना टारगेट सेट कर रखा है कि संगठन बनाओ और चौकीदारों को मूर्ख बनाओ। हाँ, और नहीं बनना भी चाहिए, अगर ये चौकीदार नहीं समझ रहे हैं, 3 साल से मैं समझा के पागल हुआ हूं और ये पैसा दे रहे हैं तो उनको देने दीजिए, मैं किसी को रोकता हूं नहीं हूं। तुम सही कर रहे हो पासवान जी, ऐसे ही करते रहो, इन लोगों को लूटो, ये इसी लायक हैं, इनको जब तक ठगोगे नहीं तब तक ये आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। और हमको देख लो, हम तो भाई ठग नहीं पा रहे, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम खुद ही ठगे जा रहे हैं, हम खुद ही परेशानियां झेल रहे हैं। तो आप ये काम तो अच्छा कर रहे हो, ठगो आराम से इनको, ये इसी लायक हैं, अपना परिवार घर चलता रहना चाहिए, इनका कोई मतलब नहीं, इनको अंधकार में डालो। ये जब 3 साल में हमारे वीडियो से कुछ नहीं समझ पाए और राजनीति में ऐसे कट्टर हो चुके हैं कि इनको बस पद करो, बता दे कि तुम्हें ये पद मिल रहा है और तुमको इतना रुपया दिया है, अरे तुरंत लो भैया, है ये चल रहा है भैया आपके विभाग में। लेकिन कोई नहीं, हमारा एक इकलौता संगठन ऐसा है जो शायद कोई कह नहीं सकता कि आज तक पद के नाम पे पैसा लेता होगा, एक रुपये भी अगर किसी ने दिया हो कि ये भैया पद के नाम पे दे रहा हूं तो मुझे आदमी दोषी बोल सकता है। मतलब ईमानदारी का झंडा हिला हिला के पागल हुए जा रहे हैं, बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, वो नहीं दिखाई देता इन टट्टुओं को, लेकिन जो हराम में पैसा कमा रहे हैं ना उनका बहुत विश्वास है। अरे ये तो भैया हमारे भगवान है, क्या यार कैसी बेइज्जती करवाते हो यार, मुझे शर्म आती है लोगों से बोलने में भी। हमारी ये कोई नाराजगी नहीं है भैया, हम हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि नाराजगी और गुस्सा करने से कुछ अच्छा नहीं होगा, हमेशा हंसते रहना चाहिए और दूसरों को हंसाते रहना चाहिए, है ना भैया? थोड़ा बुरा लगता है इसलिए बोल देते हैं। और पासवान जी आप उसे एक ही बात कहेंगे, अरे ये तो है मूर्ख, आप काहे बने घूम रहे हो यार, आप तो दयावान बनो यार। कहे कोई बात नहीं, अगर नहीं वे देने के लिए बैठे हैं तो तुम्हारी में गलती का है भाई, अभी जब पैसा तो मैं दे ही रहे हैं तो मैं तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस ठीक है मिल रहा, हमें से कोई आपत्ति नहीं, तुम ठगो इनका, जितना ठग पाओ उतना ठगो, हमें इसके बारे में तो बोलिए ही नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं ना 3 साल में हमने इनका कोशिश करो नहीं सुधर पा रहे, है ना, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बस थोड़ा गुमराह ना करो यार, क्योंकि थोड़ा बुरा लगता है भाई। आप देखो, यूट्यूब चैनल बनाए हो, है
अच्छा लगता है कि चलो यार हमारे कैसे भी हो, आप बुरे हो अच्छे हो तो हमारे ग्राम प्रहरी ना, मुझे अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं यार, बनाया है अगले ने अपनी आप बात रखता है, आवाज उठाता, उठाओ ना यार, कोई आपत्ति नहीं है, आप हमको गाली दोगे हम सब सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, सब अपने हो। कभी कभी होता है कि भाई आपकी अपनी मानसिकता है कि गलत भी कहता हो, कभी अच्छा भी कहोगे, लेकिन बस ये कि गुमराह करने में बड़ा कष्ट होता है, वो मत करो। न्यूज चैनल बनाया ना, खुलकर बोलो ना मैंने बनाया, क्या दिक्कत है, कोई आपत्ति है क्या भाई? आप अच्छा करते रहोगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, वो तो सबके साथ, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, बस इतनी बात कहेंगे भैया आप लोगों से, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो से, नमस्कार, जय हिंद।